हेलो गाइस, द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ लिंकेज। तो लिंकेज, आप जानते हैं लिंकेज का मतलब कि दो जो जीन्स है वो आपस में कंबाइंड कर जाएगी और वो जाएगी नहीं, डेट इज़ लिंकेज। तो लिंकेज में हम पढ़ेंगे क्या क्या? हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज होता क्या है। उसके बाद एक तो होती है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। देन टाइप्स ऑफ लिंकेज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिंकेज के, लिंकेज ग्रुप्स, डिटेक्शन ऑफ लिंकेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज इन प्लांट ब्रीडिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन ऑफ लिंकेज। इंट्रोडक्शन में लिंकेज क्या पड़ेगी कि जो टेंडेंसी है जीन्स की कि वो इकट्ठे रहे इन द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन, मतलब कि पेरेंटल ज़्यादा से ज़्यादा रहे ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज़ नॉन एज द लिंकेज। उस चीज़ को हम बोलते हैं लिंकेज। एंड देन टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, मतलब कि ये दो जीन्स थे, अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, मान लो ये दो जीन्स थे, इस पर ये एक ए जीन, ये दो क्रोमोसोम्स, इस पर ए जीन है एंड देन दिस बी जीन, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, और क्या हुआ इनके अंदर आपस में ही, मतलब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या कि भाई ये ए बी से मिल जाएगा, ये ए किससे मिल जाएगा और बनेगा क्या, क्रॉस ओवर होके ये बन जाएगा मान लीजिए, ठीक है। लेकिन लिंकेज का मतलब कि आपस में ही क्या हो जाएगी, इकट्ठे रहेगी, मतलब कि ए बी इकट्ठा रहेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी इकट्ठा रहेगा, मतलब पेरेंटल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, डेट इज़ लिंकेज। ओके, तो फिनोमेना ऑफ लिंकेज सबसे पहले डिस्कवर किया था वो टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। जो टेंडेंसी है जीन्स की इकट्ठे रहने की रिकम्बिनेशन के दौरान, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। और फिनोमेना ऑफ लिंकेज सबसे पहले जो दिया था वो दिया था बेटसन एंड पुनेट ने, टी एच मॉर्गन ने सबसे पहले थ्योरी दी लिंकेज की, और ये कंक्लूड किया कि कपलिंग और रिपल्शन दो फेस में हो सकती है, मतलब कपलिंग एंड रिपल्शन वर टू फेसिस ऑफ सिंगल फिनोमिना, उसका फिनोमिना का नाम जो है वो है लिंकेज। समझ पाई होगी आप सब, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो भी जीन्स है उनकी खट्टे रहने की एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। सिंपली सबसे पहले फिनोमिना दिया था बेटसन एंड पुनेट ने, उस पर टी एच मॉर्गन इसकी थ्योरी भी दे दी, थ्योरी ऑफ लिंकेज। नेक्स्ट इसमें क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दी थी सटन और बॉबरी ने। ये बहुत ईजी है एक टाइप से, क्योंकि इसने ये बोला, सटन बॉबरी प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये वन नंबर में क्वेश्चन आ सकता है नीट के एग्जाम में, अदर इंपॉर्टेंट नेट वगैरह के एग्जाम्स में। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश डेट मैनी जीन्स आर लोकेटेड इन ईच क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन। जो बहुत सारे जीन्स होएगी, लोकेटेड होएगी हर क्रोमोसोम में लीनियर फैशन में, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, जो बहुत सारे जीन्स लोकेटेड हर क्रोमोसोम पे, वो एक लीनियर फैशन में क्या है, लोकेटेड है। क्रोमोसोम पे जो जीन है बिल्कुल ही लीनियर फैशन पे क्या होगी, बिल्कुल लोकेटेड होगी। तो जीन्स लोकेटेड इन ए क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन में जो है वो होगी, एंड ऑल जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम विल मूव टू द सेम पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जितने भी जीन्स होएंगे सेम क्रोमोसोम पे, वो कहाँ मूव करेंगे, सेम पोल पे, मतलब ऑफकोर्स ही बात है सेम जीन के सेम पोल पे। और जीन फेल टू शो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन एंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज को हम क्लासीफाई कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन इन्वॉल्व एंड क्रोमोसोम इन्वॉल्व। देन इस टाइप ऑफ लिंकेज के अंदर हम की पूरी लिंकेज हुई है या इनकम्प्लीट लिंकेज हुई। अगर जीन्स तो बिल्कुल ही, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, ये मेरा अगर एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे ए जीन है और बिल्कुल ही यहाँ पे बी जीन है, तो ऑफकोर्स इनके और कटिंग क्रॉसिंग, मतलब कि जो रिकम्बिनेंट बन जहाँ से बन रहा है, तो ये तो एक ही साथ जाएगी, कंप्लीट लिंकेज होगी। सेकंड केस में ये ले रही हूँ, ए जीन तो मेरा यहाँ पे है एंड बी जीन मेरा यहाँ पे है और क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो रही है, तो क्या होगी, रिकम्बिनेशन इनके बनेंगे। तो हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए, इसके अंदर कुछ चांसेस है, मतलब इनकम्प्लीट हो सकती है, लेकिन पहले वाले केस में कंप्लीट लिंकेज होगी। इन केस ऑफ मेल्स ऑफ ड्रोसोफिला एंड फीमेल्स ऑफ सिल्क फॉर्म, वेयर देर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट एब्सेंस होगी रिकॉम्बिनेंस की, रिकॉम्बिनेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगी क्योंकि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। उसके बाद है इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज। इनकम्प्लीट एंड पार्शियल लिंकेज में क्या आता है, इफ सम फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अक्कस, कुछ फ्रिक्वेंसी ऑफ जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन लिंक्ड जीन्स, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रही है लिंक्ड जीन्स के बीच में। इनकम्प्लीट लिंकेज ऑब्जर्व होती है मेल्स में, फीमेल ड्रोसोफिला फीमेल में, और ड्रोसोफिला के मेल्स में और फीमेल्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स में, क्योंकि एब्सेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स है, क्योंकि
क्रॉसिंग ओवर होएगी बहुत ही ज़्यादा पास होएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिंकेज, ये हमने टाइप्स ऑफ लिंकेज पढ़ी थी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कैसी हो रही है, हो ही नहीं रही है, बिल्कुल पास है, इसमें थोड़ी बहुत हो रही है इनके बीच में। अब बेस ऑन जीन इन्वॉल्व, कि जीन कैसे इन्वॉल्व है इनके बीच में, उसके टाइप से किस टाइप की लिंकेज हो सकती है, तो बेस्ड ऑन जीन इन्वॉल्व पे कितने टाइप्स के जीन जो है भला वो क्या है इन्वॉल्व है। डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑल डोमिनेंट और सम डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स आर लिंक्ड टुगेदर, लिंकेज कैन बी कपल्ड इनटू कपलिंग फेस एंड रिपल्शन फेस। लिंकेज को हम दो फेस के अंदर बांटते हैं, एक तो होता है कपलिंग फेस, एक होता है अपने पास रिपल्शन फेस। कपलिंग फेस का मतलब क्या है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड रिसेसिव एलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। कपलिंग मतलब कि जो डोमिनेंट होगी वो एक साथ रहेगी और जो वो होगी वो एक साथ रहेगी, उसको हम बोलते हैं कपलिंग फेस। रिपल्सिव फेस का मतलब क्या है, डोमिनेंट एलील्स ऑफ सम जीन्स आर लिंक्ड विद द रिसेसिव एलील्स ऑफ अदर जीन्स क्रोमोसोम शो रिपल्शन। मतलब कि अगर मैं बात करूँ ये क्रोमोसोम है, इस पर ए और बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी, अगर डोमिनेंट खटे रहे सेसिव भी खटे रह रहे हैं, मतलब कि कपल होके डोमिनेंट ऑफ प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड सेसिव प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अब बात समझ रहे डोमिनेंट में, ये भैया एक जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए एक ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील से प्रेजेंट है ठीक है एक करेक्टर के, और अगले क्रोमोसोम पे सेम क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। हम इन्होंने यहाँ पे इसको टीक बोला, इसको आर बोला, इसको टी बोला, इसको आर बोला, तो ये क्या डोमिनेंट, मतलब कि डोमिनेंट प्रेजेंट होगा उस पर उसको बोलेंगे कपलिंग फेस। और जब उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, लिंक्ड हो जाएगी उसके साथ, उसको बोलेंगे रिपल्सिव फेस। टाइप्स ऑफ लिंकेज क्रोमोसोम्स किस तरीके से इन्वॉल्व है, तो बेस्ड ऑन क्रोमोसोम इन्वॉल्व ऑन द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, लिंकेज को हम कैटेगराइज करते हैं ऑटोसोमल लिंकेज और एलोसोमल लिंकेज। ऑटोसोमल लिंकेज का मतलब क्या है, कि इट रेफर्स टू लिंकेज ऑफ दोज जीन्स विच लोकेटेड इन द ऑटोसोम्स, कि उन जीन्स की लिंकेज होना जो किस पे लोकेट है, ऑटोसोम्स पे, तो ऑटोसोम पे लोकेट है, और एलोसोम्स जो सेक्स लिंकेज जो लिंकेज हो रही है तो सेक्स क्रोमोसोम्स पे। आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंकेज की, लिंकेज करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिंकेज में क्या होता है, दो और मोर जीन होते हैं जो कि सेम क्रोमोसोम पे है ओके एलियन फैशन में है, इसमें वेरिएबिलिटी नहीं आ पाती, क्योंकि लिंकेज जितनी ज़्यादा होएगी, मोर इज़ द लिंकेज, उतने ही ज़्यादा क्या होएगी पेरेंटल करेक्टर ज़्यादा होएगी, रिकम्बिनेंट्स उतने ही कम बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर उतनी ही कम होएगी, मतलब कि वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी इससे। इसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, कपलिंग फेस भी हो सकता है, कुछ रिपल्सिव फेस भी हो सकता है ओके। लिंकेज यूजली इन्वॉल्व दोज जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, लिंकेज ऑफ कोर्स अगर बिल्कुल पास पास तो ज़्यादा लिंकेज होएगी, मतलब पास पास जीन रह रही है। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन्स, लेसर द डिस्टेंस हायर द स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा, लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी डाटा। एंड आप भी समझ पा रहे हैं, लिंकेज को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं आगे। एंड लिंकेज ग्रुप्स, लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है रेफर टू ए ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम, जीन्स का ग्रुप जो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप्स। क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज लिमिटेड इन ईच इंडिविजुअल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द हैप्लॉयड क्रोमोसोम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं। एग्जाम्पल करें तो हम कॉर्न के अंदर 20 है 2n, तो 7 इन गार्डन पी है ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अगर मैं बात करूँ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में रह रहे हैं, 4 इन मेलेनोगैस्टर है और 23 इन मैन, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप कितने प्रेजेंट है, कितने पेयर्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंट है, तुम्हारे अंदर 23 पेयर्स प्रेजेंट है ना, तो 23 लिंकेज ग्रुप्स हो गए अपने अंदर, ये 23 पेयर्स ही हुए ना, समझिए आप। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, कैसे हम पता करें एक लिंकेज हुई है जब नहीं हुई है, टेस्ट क्रॉस द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द लिंकेज, इन दिस मेथड F1 हेटेरोजाइगस ऑफ 2 लोकाई AB एंड AB क्रॉस टू अ डबल रिसेसिव पेरेंट एंड फिनोटाइप रेशियो टेस्ट क्रॉस इज एग्जामिन। जो फिनोटॉपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस ऑफ प्रोजेनी शोज 1:1:1 इसको शो करती है, रेशियो ऑफ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट फिनोजेनोटाइप्स इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ लिंकेज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल टाइप एंड रिकम्बिनेंट टाइप डेविएट होती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि लिंकेज है
ओके उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज में क्या क्या फ़र्क है. इसके अंदर क्या होता है, सेपरेशन होता है लिंक्ड जीन्स का. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, सेपरेशन होता है किसका, लिंक्ड जीन्स का. और लिंकेज में क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, अभी क्रॉसिंग ओवर में तो सेपरेशन होता है लिंक्ड जीन्स का, और लिंकेज में क्या होता है, जीन्स इकट्ठे रहते हैं. इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, इसके अंदर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं. और क्रॉसिंग ओवर कोई भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और नंबर ऑफ लिंकेज कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ, तो ऑफकोर्स ही बात है. आप समझ रहे हैं ना इस बात को, कि अगर हैप्लॉयड है ही दो तो कितने बन सकता है, ये दो है ना हैप्लॉयड ग्रुप्स. तो मान लो मैं आपको एक बार अच्छे से बताती हूँ ये वाली चीज़. एक ये ग्रुप है हैप्लॉयड ग्रुप, दूसरा जो हम ग्रुप ले रहे हैं मान लीजिए हम वो ये ले रहे हैं. अब हम क्या करें, इनके अंदर लिंकेज शो करना चाह रहे हैं. ओके मैं कह रही हूँ ये वाला इससे कट होकर ये बना लेगा, ये वाला इससे कट होकर ये बना लेगा, तो ए ग्रुप तो ये हो गया, ए ग्रुप ये हो गया, मतलब मैक्सिमम दो ही ग्रुप्स हो सकते हैं ना. तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते, उनके इक्वल हो सकते हैं. लिंकेज होगी तो जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतनी ही कम वेरिएबिलिटी आएगी, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ओके एंड दैट्स इनफ.